This story is brought to you by tapeatale.com. क्या आज सच में गोल है? पहले मुर्गी आई थी या अंडा? मैंने 12th में साइंस लेके सही किया था। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि इनके जवाब ढूंढने में हम इतना ना खो जाएं कि खुद को ही कहीं खो दें। तुम्हें कभी बताया नहीं था, मगर तुम्हारे आने की खुशी के साथ तुम्हारे जाने का डर भी मेरी जिंदगी में साथ शामिल हुआ था। शायद बातों बातों में बताया था। याद है इन स्टार्ट ऑफ आर रिलेशनशिप जब तुमने कहा था कि दिसंबर में ना किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलेंगे, और मैंने जवाब दिया था कि दिसंबर अभी बहुत दूर है। तुम्हें लगा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी दूर का मत सोचो, पर दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम भी इतनी दूर का सोच रहे हो मेरे साथ। खैर, दिसंबर भी आया और लॉन्ग तो नहीं, पर कई सारी शॉर्ट ट्रिप्स हो गई थी, और धीरे धीरे तुम्हारे आने की खुशी, जाने का डर दोनों ही मेरी जिंदगी से चले गए, और रह गया तो सिर्फ सुकून और भरोसा कि तुम यहीं हो हमेशा। कहते हैं ना कि 100 अधूरी कहानियों में भी एक मुकम्मल दास्तां तो होती है, तो बस अपनी वही है। बट जिंदगी अक्सर अपने हाथ में कंट्रोल होने का सबूत आपको तब देती है जब आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। स्टार्टिंग से ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला रहे थे हम, पर अचानक एक दिन तुम्हें लगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इतने महीने इंतजार करके एक दूसरे से मिलने का कोई सेंस नहीं है। यू नो आई कांट इवन रिकॉल व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम, बिकॉज आई डिडंट फील एनीथिंग, आई फेल्ट नम। उस दिन हमारा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, पर मेरा इंट्यूटिव नेचर मुझे बता चुका था कि वो दिन अब दूर नहीं है। इसलिए शायद जब उस दिन मैं कैब में बैठी और तुमने कहा कि चलो ठीक है जल्दी मिलेंगे, आई न्यू कि वो हमारी आखिरी मुलाकात है। आई जस्ट न्यू इट। खैर, मैं अपनी सिटी वापस आई एंड हियर गोज द ओवरथिंकिंग। जब हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना, तो हम खुद को समझाकर कुछ भी जवाब दे देते हैं। सवाल ये था दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई आर यू इवन थिंकिंग ऑफ एंडिंग अस, एंड मेरे दिमाग ने जवाब दिया, इट्स यू गुंजन, इट्स योर फेस, इट्स योर बॉडी, इट्स योर मार्क्स, इट्स योर पर्सनैलिटी, इट्स योर ओवर सेंसिटिव नेचर, इट्स एवरीथिंग, सो ओवरऑल इट्स जस्ट यू। इस बड़े शहर में मुझे इतना अकेला कभी नहीं लगा था, क्योंकि पहली बार मैं खुद अपने साथ नहीं थी। जैसे हर सुबह एक उम्मीद के सूरज के साथ आती थी कि आज तुम कहोगे कि यू नो वॉट, लेट्स सॉर्ट दिस, हम ये ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकते, पर ऐसा कुछ नहीं होता था, और हर रात मुझे मेरे अंदर एक और कमी दिखाकर चली जाती थी। कुछ महीने ऐसे ही चला, लेकिन फिर एक दिन किसी से बात हुई, उसने मुझे सिचुएशन को साफ साफ दिखाया, कैसे मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ ये समझाया, किसी ऐसे से जवाब मांग रही हूँ जिसकी हर एक बात अब एक सवाल है। जिससे बात हुई वो और कोई नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और उस दिन रो कर लिख कर खुद को समझा कर मैंने जाने दिया तुम्हें, ये सोचकर कि अगर तुम्हें एक्चुअली में मेरी और इस रिश्ते की कद्र है तो तुम आओगे, और इन एफर्ट्स को देखने के लिए मुझे खुद पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। मगर तुम नहीं आए। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं और तुम आज भी कहते हो कि मैंने बड़ी आसानी से जाने दिया तुम्हें, रोका ही नहीं। और मेरा बस एक सवाल है कि जिसे मेरी और उस रिश्ते की कद्र होगी, क्या उसे रोकने की ज़रूरत होगी? हम इंसान ना प्यार और केयर के लिए कई बार इतने नीडी हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा देते हैं, जो कि गलत है, और ये सीखा है मैंने कई दफ़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा कर। अपने प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है, झुकना भी सही है, लेकिन अपनी नज़रों में गिरना नहीं, क्योंकि जब हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं ना, तो हम सामने वाले को सुपीरियर मान लेते हैं, और जब एक रिश्ते में एक सुपीरियर और इन्फीरियर हो जाए तो ऐसे रिश्ते खींच तान के सिर्फ निभाए जाते हैं, उन्हें जिया नहीं जाता। सो हाँ, मैंने जाने दिया तुम्हें अपने लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एंड यस, इट वॉज नॉट मी, माई फेस, माई बॉडी, माई हेयर, माई पर्सनैलिटी और एनीथिंग, इट वॉज जस्ट यू। Was not ready for the kind of love I did. It was just you.